महाराष्ट्र में सरकार का गठन होते ही बवाल मच गया है। बीजेपी के तो अब पसीने छूटने लगे हैं और तो और दिल्ली में बैठे आलाकमान के तो अब हाथ पांव फूल गए हैं और बस ये डर अब सता रहा है कि कहीं चोरी पकड़ी ना जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही जिस तरीके का माहौल महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है उससे ये तो साफ है कि नतीजे विपक्षी खेमे के लिए ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता के लिए भी संतोषजनक नहीं है और महाराष्ट्र की जनता भी इन नतीजों को लेकर अब एतराज जता रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में सरकार का गठन तो महायुति ने बड़ी ही खींचतान के बाद कर लिया, लेकिन ये सरकार कितने दिन टिकने वाली है महाराष्ट्र के सियासी माहौल को देखते हुए ये बड़ा सवाल बन गया है और बीजेपी हाईकमान को अब यही टेंशन हो रही है कि सारा का सारा सच सामने ना आ जाए, क्योंकि नतीजों को लेकर जो मामला सामने आ रहा है उससे ये तो साफ है कि खेला जरूर हुआ है। तो कैसे महाराष्ट्र की सियासत में विपक्षी खेमे ने नतीजों को लेकर मोर्चा संभाल लिया है ये भी आपको बताएंगे, साथ ही महाराष्ट्र में कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग ने नतीजों के सच को छिपाने के लिए 200 लोगों पर FIR दर्ज करवाई है उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर की शुरुआत में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंसा जा रहा है। दरअसल 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तब से महाराष्ट्र के सियासी गलियों में बवाल मचा हुआ है। नतीजे आए अगर देखें तो लगभग 12 दिन से ऊपर का समय हो गया है लेकिन नतीजों को लेकर बवाल अभी भी बरकरार है। एक तरफ जहां विपक्ष इस एक तरफा नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने से इनकार कर रहा है, तो आपको बता दें कि जनता ने भी इन नतीजों के खिलाफ अपनी आवाज अब बुलंद कर दी है और सीधा चुनाव आयोग को चैलेंज कर दिया है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था सोलापुर जिले के मालसिरस विधानसभा सीट से NCP शरद पवार गुट के उम्मीदवार उत्तम राव जानकर ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के राम सातपुते को हराया था। रिजल्ट के बाद मालसिरस विधानसभा के मार्कड़वाड़ी गांव के लोगों ने ये दावा किया था कि गांव के ज्यादातर लोगों ने NCP प्रत्याशी को वोट दिए थे लेकिन EVM के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी को 1003 वोट मिले हैं और NCP प्रत्याशी को 843 वोट। ये गलत है। गांव वालों का ये दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी को 100 से 150 वोट से ज्यादा भी नहीं मिल सकते हैं। गांव वालों ने खुद के खर्चे पर स्थानीय प्रशासन ने बैलेट पेपर पर दोबारा मतदान कराने की अपील की थी। लोकल प्रशासन से इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए गांव वालों ने खुद बैलेट पेपर पर मतदान का कार्यक्रम आयोजित किया। 3 दिसंबर को सारी तैयारी कर ली गई, पोलिंग बूथ तक बना दिया गया था लेकिन प्रशासन ने बैलेट पेपर से ग्रामीण की तरफ से वोटिंग को रोक दिया था। लेकिन अब बस सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इतने सही हैं, महाराष्ट्र में आए नतीजे बिल्कुल ईमानदारी से आए हैं, कोई बेईमानी नहीं हुई है, तो जब जनता अपने पैसों से चुनाव कराने की बात कर रही है तो फिर क्या आपत्ति है। लेकिन आपत्ति यहाँ बहुत बड़ी है क्योंकि इन सब मामलों को देखकर ये साफ हो जाता है कि खेला तो जरूर हुआ है और तो और जनता को डराने की कोशिश भी की गई, FIR तक दर्ज कर लिया गया और ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है। बकायदा आप देख सकते हैं, खबर भी हमारे पास मौजूद है। देखिए आज तक की खबर में लिखा है, रीवोटिंग से पीछे हटा मरकरवाड़ी गांव, पुलिस ने 200 लोगों पर दर्ज की FIR। आप देख सकते हैं कि इन सब से इतना साफ है कि विपक्ष की भाषा में अगर कहे तो बीजेपी ने पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है किसी भी तरह महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का सच बाहर ना आने पाए। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी है कि सच को कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए सच सामने आ ही जाता है। बस वही इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है जहां एक तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग की जोड़ी पूरी रणनीति अपनाते हुए सच को छिपाने में लगी है तो वहीं इस बार दिल्ली दरबार में बैठे आलाकमान ये भूल गए हैं कि ये हरियाणा नहीं महाराष्ट्र है। यहां खेल करके आसानी से भागा नहीं जा सकता है। जी हां, क्योंकि विपक्ष इस बार पूरे फॉर्म में है और EVM के खिलाफ मोर्चा संभाले भी बैठा है क्योंकि कल जहां एक तरफ विपक्ष के विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया तब से मामला काफी गर्माया। अब तो मार्करवाड़ी गांव में जो मामला हुआ है उसकी कमान खुद शरद पवार ने अपने हाथों में संभाल ली है क्योंकि विपक्षी विधायकों ने इसी मामले को भुनाते हुए शपथ लेने से इनकार किया और साफ साफ ये कहा कि जनता नहीं बल्कि EVM और चुनाव आयोग के ये नतीजे हैं। अब आपको बता दें, खबरें निकल कर ये सामने आ रही हैं कि इस मामले को लेकर आज NCP शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार आज सोलापुर जिले के मालसिरस तालुका के मरकरवाड़ी गांव का दौरा करेंगे
शरद पवार आज ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, उनके लिए भव्य सभा भवन भी बनाया गया है, हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई है। क्योंकि आपको बता दें, जिस गांव से ये मामले ने तूल पकड़ा है वो एनसीपी शरद पवार का गढ़ माना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मरकरवाड़ी के घटनाक्रम पर कांग्रेस की भी नजर बनी हुई है, और सूत्रों की अगर माने तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गाँव से एक मार्च का नेतृत्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही इस गाँव में शिरकत कर सकते हैं। अब इन सब से ये तो समझ में आ गया है कि हरियाणा नतीजों के बाद जिस तरह से शांति का माहौल बन गया था, ईवीएम को लेकर इतना कुछ बखेड़ा देखने को नहीं मिला, लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त जो बवाल मचा हुआ है इससे ये तो साफ है कि विपक्ष ने इस बार जो ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की बात कही थी उसकी शुरुआत यहीं से हो चुकी है। फिलहाल शरद पवार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। नतीजे आते ही शरद पवार ने ये कह दिया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ता और पैसों का दुरुपयोग किया गया है और अब एक बार फिर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल साइट एक्स पर ट्वीट किया है कि शरद पवार को कम से कम आपको देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। अब इस मामले पर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आवहान की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर इस पर और चर्चा करेंगे। हमने तो मार्केटवाड़ी के लोगों को कहा नहीं था कि तुम बोल लो, वो गांव ने डिसीजन लिया, गांव ने यंत्रणा खड़ी की, सब वो गांव ने किया। तो इसमें अगर आप गणतंत्र पे भरोसा रखते हो तो आपको उसको रोकने की जरूरत क्या थी? आम आदमी अगर चाहता है और वो खुद के पैसे से कोई काम करता है तो आपको क्या जरूरत है उसके बीच में जाने की, उनको अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? आप क्यों इतना डरते हो? अब जहां एक तरफ सरकार का गठन तो हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बयानबाजियों का दौर जारी है, घमासान अभी भी मचा हुआ है। सत्र के पहले दिन ही ईवीएम से ही जीते विधायकों ने ईवीएम के नतीजों को खारिज कर दिया और शपथ लेने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद एक पूरा का पूरा अगर हम देखें तो गांव भी इस नतीजों को लेकर खफा नजर आ रहा है। जब उन्होंने ये कहा कि जब हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी की प्रत्याशी को वोट नहीं दिया तो वो हमारे गांव से कैसे जीत गया? लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। इतनी सवालिया निशान पैदा होने के बाद भी चुनाव आयोग मुंह बंद करके बैठा हुआ है। अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लगातार महाराष्ट्र चुनाव में धांधली को लेकर बवाल मचा हुआ है, बवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग तक इसे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब चूंकि ईवीएम की जांच मामले ने तूल पकड़ ही लिया है और विपक्षी खेमा पूरी तरह से सक्रिय और तैयार नजर आ रहा है, तो संभावनाएं यही हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या शरद पवार और राहुल गांधी जिस तरह से इस मामले को लेकर सक्रिय हैं, इन दोनों की जुगलबंदी से चुनाव आयोग और बीजेपी आलाकमान को घुटनों पर आना पड़ेगा और इस मामले पर बात करना उनकी मजबूरी हो जाएगी? क्या लगता है आपको, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। खबर को लाइक शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।